राष्ट्रीय प्रवक्ता है मैडम वो बीजेपी के, तो जो पार्टी डिसाइड करती है वही हमें उन्हीं के साथ बहस करनी पड़ती है। तो हर कोई बोल रहा है, आप भी अपनी बात कीजिए, अपने पक्ष में अपनी बात कीजिए। आप अपने चैनल की इज्जत तो समझे अंजना जी, ऐसा है बीजेपी कुछ भी डिसाइड कर सकती है, पर अपनी चैनल की इज्जत तो आप लोगों के हवाले है, जर्नलिज्म आप लोगों के हवाले है। टेलीविजन चैनल पे आकर ये किसी का भी नाम बरगला देंगे, बौखलाहट से भरे आकर बकवास कर जाएंगे, मैं चुप से सुनती रहूं। ठीक है, अब विषय पर वापस आइए, विषय पर वापस आइए, विषय पर वापस आइए, विषय पर वापस आइए प्लीज। आप लोग अपनी अपनी बारे में बोलिए, विषय पर ही सीमित है। गोली खाकर भाषा का प्रयोग कर रही है, इनके मुंह नहीं लगती। बिल्कुल प्रियंका जी, प्रियंका जी देखिए मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। ये फैसला हम लेते हैं, कौन आएगा नहीं आएगा ये अलग बात है। मैं सवाल आपसे इस मुद्दे पर इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि क्योंकि ईडी ने जिस तरह से इस केस में अगर मामला प्रूव नहीं हो पाएगा, साबित नहीं हो पाएगा, तो उन्हें कोर्ट से रिमांड नहीं मिलेगी, उन्हें कोर्ट से रिमांड नहीं मिलेगी ना प्रियंका जी। अल्टीमेटली प्लीज प्लीज मिस्टर शुक्ला, मिस्टर चतुर्वेदी प्लीज, अल्टीमेटली उन्हें रिमांड नहीं मिलेगी। ईडी अगर पुख्ता तौर पर अपनी बात को कोर्ट में नहीं रख पाएगी तो जो रिमांड वो मांग रहे हैं वो उनको अदालत से नहीं मिलेगी, मामला वहीं पर रफा दफा हो जाएगा। प्रियंका जी नहीं, आप मुझे ये बताइए, मामला रफा दफा तो होना ही है, पर इस तरीके से डेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में किसी को आप अरेस्ट कर लेंगे, एक सिटिंग मिनिस्टर को आप अरेस्ट कर लेंगे, आप स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में भी नहीं लेंगे। ये कौन सा ही नया इन्वेस्टिगेशन के दायरे शुरू है, नए पैमाने बनाए गए हैं बदले की कार्रवाई। तो बस आपसे एक अजय मिश्रा देनी है, जहाँ पे यूपी पुलिस की SIT रिपोर्ट उनको गिल्टी पाती है, उनके बेटे को, वो बेटे को बेल मिल जाती है, ये मंत्री पद पे बने रहते हैं, उनका बचाव करने को पूरी केंद्र सरकार लगी रहती है। सही में भाषा बोलिए आप लोग प्लीज, यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर ले। ईडी तो इतनी बार, ईडी का तो इतनी बार एक्सपोज कर चुके हैं किस तरीके से सरकार चल रही है। आपकी महाराष्ट्र पुलिस अर्णब गोस्वामी कांग्रेस के साथ सरकार, एक बार प्रियंका जी के साथ मुझे दिखाइए, दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, आपकी कांग्रेस के साथ यहाँ पर सरकार है। प्रियंका जी के साथ मुझे दिखाइए प्लीज, लगातार सबकी आवाज मत रखिए। प्रियंका जी, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। ऑन रिकॉर्ड अखिलेश यादव कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मेरे पिता को फंसाया आय से अधिक संपत्ति के मामले में, और उस कांग्रेस के साथ आप लोगों की सरकार चल रही है। तो ये तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग या फिर उपयोग तो एक संयोग नहीं है, सभी का ही प्रयोग है। देखिए प्रियंका जी, आप कांग्रेस के जमाने की बात कर सकती हैं, कांग्रेस के जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने भी केस फाइल CBI को कहा था, जिसका हवाला आप सबने दिया था, टेलीविजन चैनल्स पे भी डिस्कशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का अपना पूरा कैंपेन बनाया था। पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल डालना, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ही खत्म कर देना, फेडरल स्ट्रक्चर को तहस नहस कर देना बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा, और इतना ब्लेटेंटली करना एक ही राज्य सरकार पे केंद्रित होकर, कहीं ना कहीं सवालिया निशान आप पे खड़े होंगे ना। यही सारी बातें, मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी, 2014 में आपने यही चीजों का हवाला देकर वोट पाए थे और उसी चीज का आप इस्तेमाल करा, देश की जनता ने उनको नकारा है ना, कांग्रेस पार्टी को सरकार केंद्र में नहीं बनाने दी, तो आप वही करेंगे, आप उससे 10 कदम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विद्या चव्हाण जी, ठीक है।